मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, तुम जागे जागे रहना, अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होते चले जाना, भीतर देखने की क्षमता को अवसर देना जगमगाने का। तुम केवल देखते रहना, वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है, केवल देखना और कुछ करना नहीं। निष्पक्ष ऊर्जा होकर के, निरपेक्ष ऊर्जा होकर के देखना। यू आर अ न्यूट्रल एनर्जी इन योर ट्रू नेचर, सिंपली वॉच, बी वॉचफुल। अपनी ओर जागे रहना, माइंड कई प्रकार के पड़ाव पैदा करेगा, हर पड़ाव से आगे बढ़ते चले जाना। धन का, पदार्थ का, पैसे का, प्रतिष्ठा का, आसक्ति का, कामना का, वासना का, अहंकार का, ईगो का, बहुत महत्वाकांक्षाओं का, न जाने कितने पड़ाव तेरे भीतर तेरे सामने खड़ा कर देगा। कहीं रुक न जाना, सुंदरतम से सुंदरतम सौंदर्य से ओतप्रोत, कितनी ही कामना वासना की पड़ाव खड़ा कर देगा। कहीं रुक ना जाना, अपनी खोज अपनी तलाश में, अपनी नजर अपनी मंजिल पर रखना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना, हर पड़ाव से पार होते चले जाना, माइंड के हर तल से जागे जागे उठते चले आना। एकमात्र देखना, कहीं इंडल्ज ना हो जाना, किसी प्रकार की महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं के सपनों में कहीं खो ना जाना, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। माइंड के साथ बहुत कम गरादतवश जाना होता है तो शीघ्र ही शीघ्र वापिस लौटना, विचारों से अंधेरों से माइंड की गति से पुनः पुनः वापिस लौटना, वापिस लौटते चले आना, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को और अधिक माइंड के हाथ नहीं देना। मन के बाजार में, मन की गलियों में, माइंड की अट्रैक्शंस में, इसके झूठे झूठे ग्लैमर में कहीं खो ना जाना। पास्ट की स्मृतियां, फ्यूचर की कल्पनाएं, महत्वाकांक्षाएं, योजनाएं तुझको निरंतर घेरे रखती हैं। ये सब माइंड की एक बात,
इल्यूसिव स्टेट्स आए जो तेरे वर्तमान के पलों को भी लूटती हैं, वर्तमान में मिले हुए सुख को भी लूटती चली जा रही है। वर्तमान का सुख भी तेरे हाथों से सरकता चला जाता है जब तू पास्ट और फ्यूचर की दौर में उतरता चलता है। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलता हुआ माइंड एक बार तेरे वर्तमान को लूटता चला जाता है, तेरे प्रेजेंट मोमेंट्स को, तेरे वर्तमान के सुखों को। क्षीण करता चला जाता है, उसका निवास है पास्ट और फ्यूचर, तेरा निवास है वर्तमान प्रेजेंट। तुम अपने निवास में रहना, खूब झूलना माइंड की तरह अपने वर्तमान में। माइंड सदाई पास्ट और फ्यूचर से विड्रॉ करता हुआ तेरे प्रेजेंट मोमेंट्स में उतरता चला आएगा। नो माइंड की स्टेट में तुम जगमगा जाओगे। तुझे माइंड के प्रति कुछ नहीं करना, कोई किसी प्रकार का उपाय नहीं करना, कोई किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना। केवल तूने अपनी सुरती संभालना है, अपनी सुरती के झूले में झूलना, अपनी सुरती के आलम में जगमगाती रहना है। जागी जागी रहना है। मन की तमाम कृतियों को देखने वाले हो तो डायरेक्ट वॉच करना। हम सबके पास देखने की क्षमता है, देखने का पोटेंशियल है, ये पॉसिबिलिटी है हर एक के द्वार पर। डायरेक्ट वॉच करना जो जो हो रहा है, जाके जाके देखते रहना। जो जो अननेसेसरी है वो अपने आप विदा होता चला जाएगा, जो जो नेसेसरी है वो स्टे करता चला जाएगा। सब थॉट्स जो तूने बाहर से बोरो किया है दूसरों के बारे में, वो सब डिसॉल्व होती चली जाती है। वही तेरी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण है। कारण को विदा करना, स्वस्थ हो जाओगी। कारण को दबाना नहीं, सुप्रेस नहीं करना, ये हिप्नोटिज्म तनिक मात्र ना पिरोना। सभी मंत्र सुप्रेस करता है, सभी टेक्निक मेथड्स सुप्रेशन है। तुम डायरेक्ट वॉच करना, डायरेक्ट, इट्स नेचुरल। अननेचुरल अप्रोच नहीं अपनाना, नेचुरल अप्रोच। तुम जागना अपनी ओर, तुम देखना अपने भीतर में, अपने समक्ष जो हो रहा है, मन के तल पे जो जो उठ रहा है, जो जो घटित हो रहा है, जो जो उतर रहा है, उसी को देखते रहना। देखना अनुभव है, अनुभव जैसा सौंदर्य दुनिया में नहीं। अगर भाव दशा है, अनन्य भाव है उस मालिक की प्रति, अन्य अन्य से हट करके एक उसी में है। तेरी लौ, तेरी प्यास, तेरा दर्द उठाए उसको मिलने में विरह जगाए। डूबते चले जाना, फिर देखना नहीं, डूबना। डूबते ही तैरते चले आओगे, डूबते ही तुम नूतन नवीन होते आओगे, डूबते ही तुम ट्वाइस बॉर्न द्विज होते आओगे।
ओंकार आमीन ईमन। बाजी लगाइए सी तेरे से प्यार की, बाजी लगाइए सी मेडिटेशन की प्यार की, बाजी लगाइए सी तेरे से प्यार की, बाजी लगाइए सी मुर्शिद से प्यार की, बाजी लगाइए सी मालिक से प्यार की। परवाह अब रही नहीं कछु जीत हार की, बाजी लगाइए सी सदगुरु से प्यार की, बाजी लगाइए सी प्रीतम से प्यार की। संवाद चलता है आज दीवानों और दिलदार में, उस दीवानी और दिलदार गुरु के बीच, मुर्शिद के बीच। और पीछे मुड़ के तो नहीं देखेगा, पीछे की ओर तो झांकेगा नहीं, पास्ट में तो नहीं जाएगा, फ्यूचर की कल्पना में डूबेगा तो नहीं। गुरुवर माइंड है ही नहीं, वो तेरे चरणों पर गिर चुका। कहां पास्ट कहां फ्यूचर, कछु है नहीं, एक तेरी झलक के सिवा कुछ भी नहीं। अरे पीछे नहीं, पीछे नहीं, मुड़के नहीं, कदाचित नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी रजा में, उसकी मर्जी में, हाँ क्यों नहीं। आज तक मन की रजा में, मन की मर्जी में मरा हूं, अब मैं अपने मालिक मुर्शिद की रजा मर्जी में क्यों नहीं रहूंगा। आज तक का जन्म मेरा 12 वर्ष का, मन के हाथों, मन की रजा में, मन की मर्जी में, मन की कामनाओं में लुटा है, मन की गुलामी में लुटा है। तूने क्या कृपा बरसाई कि मुझ बदनसीब को अपने चरणों में बुलाया, अपनी हवाओं फिजाओं से तूने जो उपकार, जो ग्रेस बरसाई, मुझे तूने अपना बना लिया है। जब गुलामी ही करनी है तो तुझ मालिक की करूंगा, माइंड की नहीं करूंगा। माइंड की गुलामी में मैंने देख लिया, 12 वर्ष गुजर गए, मेरा हाथ कुछ नहीं है, मेरा हाथ कुछ नहीं लगा। 12 वर्ष की जिंदगी गुजर गई है, पल भर का भरोसा नहीं, एक श्वास का भरोसा नहीं, अब मालिक की रजा में जीऊंगा, माइंड के हाथ नहीं लगूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। छोटी सी प्रार्थना तेरे चरणों में, ओ मेडिटेशन मास्टर, ओ स्पिरिचुअल मास्टर, तेरी शिखरों पर जगमगाती हुई अस्मिता की, अंधेरी नगरी को दूर करने की एक ज्योत जगमगाती हुई, ये शिखर जगमगाता हुआ जो मुझको भासता है नूर नूर, तेरी औरा को देखता हूं भरोसा आता है। गुरु है? हाँ। जब चल पड़े तेरी राह पे तो फिर मुड़ के क्या देखें, जब चल पड़े तेरी राह पे तो
फिर मुड़ के क्या देखे, दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की, दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की, अपनों ने तो भली बुरी बातें हजार की, गैरों ने तो भली बुरी बातें हजार की, अपनों ने तो भली बुरी बातें हजार की, अपनों ने तो भली बुरी बातें हजार की। वाह तिलैया, क्या कसम, तेरे ध्यान के अंत समय कितना ज्ञान, तेरी ध्यान की पंखड़ियों में क्या फूल खिलेंगे। आह, हैरान कर दिया अपने मुर्शिद को, गजब ढा दिया अपनी प्यास के आलम, गुरुवर को भी विजयपाद को भी हर्षित कर दिया, तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया, स्वीकार हुए तिलैया। दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की, दुनिया ने तो भली बुरी, इस दुनिया ने चार कदमों पे चढ़ के शमशान पहुंचा देना, चौथा के बाद याद भी नहीं करना उस दुनिया की, क्या परवाह करना है। मन की दुनिया का आखिरी शिखर है, यहाँ लास्ट झलक है मेडिटेशन, मेडिटेशन ऑन फिजिकल प्लेन, मेंटल प्लेन, इंटेलेक्ट प्लेन, नाउ इट इज आत्मिक प्लेन। आत्मा के लिए कोई भी इंग्लिश वर्ड नहीं है, इंग्लिश डिक्शनरी बहुत कमजोर है, भारत की संस्कृति के सामने इंग्लिश डिक्शनरी बहुत लिमिटेड, बहुत नैरो, आत्मा के लिए कहीं शब्द नहीं है, आत्मा के लिए कहीं शब्द इंग्लिश का नहीं है, मिलेगा ही नहीं। सोल सूक्ष्म शरीर का है शब्द, सोल जो दूसरे जन्म में आती जाती, वह सूक्ष्म शरीर उन्नीस तत्वों का, आत्मा के लिए कोई वर्ड नहीं, आत्मा मीन्स आत्मा। तिलैया इतनी प्यास गहरी गहन लेकर के पहुंचा, इसको परमात्मा हो जाने की महान संभावना में उतार देना चाहता है, बिल्कुल प्यारी है तत्परता। हाँ तो बहुत भरे मन से, भरे चित से, भरे हृदय से, भरपूर अपने भीतर से विजयपाद गुरु ने कहा, बहुत भरे हृदय से कहा, बहुत भारी हृदय से कहा, देख इस मेडिटेशन आश्रम में 500 मेडिटेटर्स रहते हैं, तुम साधना के लिए आए हो, मेडिटेशन के लिए आए हो, तुम माइंड को विदा करने गया है, नो माइंड की स्टेट में उतरने आए हो, तुम अपनी याद, अपनी स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस, सेल्फ डिस्कवरी के लिए आए हो, साधना का दीप जलाने आए हो ना, तुम अपनी प्यास को परमात्मा बनाने आए हो ना, तो सुन रसोई में चले जाइए, 12 वर्ष के बालक को कहां भेज रहा है, विजयपाद जागी हुई जगमगाती शिखा, एनलाइटेंड सोल कमाल कर रहा है, इतनी बड़ी प्यास को कहां भेज रहा है, रसोई में चले जाइए जहां 500 साधकों, 500 मेडिटेटर्स, 500 सीकर्स का भोजन बनता है, तुझे वहां जाना है, तूने धान कूटना है, तूने तिल कूटना है, धान कूटना है, चावल तैयार करना है, सुबह से लेकर शाम तक 3 टाइम तूने भिक्षा देना है, उन सब
तू अकेला नहीं, वहां और भी बहुत है, उनमें सम्मिलित हो जाना है। ये सेवा कमाना है। सेवा, मैं आया ध्यान के लिए, साधना के लिए, मैं आया भजन करने के लिए, मैं पल पल डूबने के लिए आया, और तू मुझे सेवा में। तूने अभी कहा ना तेरी रजा में रहूंगा, हो गया गड़बड़, आ गया माइंड बीच में, हो गया चुनाव तेरा, बस क्या हुआ तुझे? तिलैया ने मुंह उठा के कहा, गिरे हुए मुंह ने थोड़ा उठ करके थोड़ा दम भरा, फिर उसके पश्चात फिर बताऊंगा, अभी तुझे सेवा में उतरना होगा। सेवा, वो तो नौकर भी कर सकता है, चाकर भी कर सकता है, वो तो एम्प्लॉय वर्क भी करता है। मैं अपना सर्वस्व लेकर के, सर्वांगीण जीवन लेकर के तेरे द्वार पर पहुंचा मिटने के लिए, और तूने मुझे कहां की बात कर दिया। मैंने कहा ना, माइंड के हाथ लगेगा तो मास्टर के हाथ नहीं, कदाचित नहीं। तेरी रजा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। तैयार? बिल्कुल तैयार। मिटेगा सेवा में, मिटूंगा दिन रात सेवा में। किंतु मुझे अपनी दामन में रखना गुरुवर, कहीं मेरा माइंड पुनः ना सर उठा करके मुझे भगा ले जाए। देखा है नहीं ना भरोसा, वो तो आप दोगे ना महाराज। अभी बातें कर रहा था प्यास में, बातें किंतु बीच में माइंड आ जाता है ना, इसी माइंड को मिटाने के लिए ही तो भेज रहा हूं, जो केवल साधना से नहीं मिटेगा। साधना तेरे पास भरपूर, प्यास तेरे पास भरपूर, बीच बीच में जो माइंड आ जाता है, इसे मिटाने के लिए ही तो भेज रहा हूं। कहीं अहंकार अभिमान, प्यास का, दर्द का, दीवानगी का अहंकार अभिमान, साधना का तेरे सिर पे चढ़ के नाचे ना, और तू अपने आप को सुपीरियर ना समझे। ये कॉम्प्लेक्स तेरे भीतर आने ना पाए, मन ही मन कहता है मुर्शिद गुरु है, चल सेवा में, मिटा दे अपने माइंड को। सेवा साधना हो जाती है, जो गुरु के द्वार पर कमाई जाती है वो सेवा साधना होती है, वो सेवा तपस्या होती, तपश्चर्या होती है, जो अपने आप को मिटाने के लिए गुरु के द्वार पर, मुर्शिद के द्वार पर की जाती है, उसकी छत्र छाया में वो मिटा के रख देती है माइंड को, आम कोई को, वो पर्दे उठा देती है भीतर के सब अज्ञानता विद्या की। ये प्रोसेस जारी रहता है। चल पड़े, चलने से पहले फिर रोक लिया, अरे हाँ सुन तिलैया, ओ प्रिंस एक बात और सुन ले, लगातार 12 वर्ष तूने वहीं रहना है, वहीं सोना है, वहीं सेवा कर। 12 वर्ष लगाता रहा कि तू दर्शन की इजाजत तो है ना, नहीं तूने मेरे पास नहीं आना। और रिट्रीट में, आश्रम में रह करके ऐसा फिर देखा, फिर माइंड आया, 12 वर्ष लगातार मध्यदार दर्शन मैं सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकूंगा, नहीं। क्या ये सजा है या सेवा? सेवा सजा है। कहीं बाहर दूर रहता हूं, दूर की सेवा मिले है तो ठीक, संभावना नहीं हो सकती कि तू तेरे द्वार पर रह के तेरा दीदार, तेरा दर्शन, तेरा सानिध्य, तेरी संगत में ना बैठू, नहीं, कदाचित नहीं, कभी नहीं। 12 साल लगातार एक दिन भी मुझे मिलना नहीं आना, मेरे पास नहीं आना। रो पड़ा, फूट फूट के रो पड़ा, मैं कहां पहुंचा, इतना दर्द पैदा कर दिया तूने, इतनी बड़ी सजा, ये तो सजा ना दे, कम से कम दर्शन में ना आप छिप छिप के तो करने दे, नहीं सामने ना सही, इतना अधिकार तो दे दे, बिल्कुल नहीं, कोई चलाकी चतुराई नहीं चलेगी, कोई किसी प्रकार का दोगलापन नहीं चलेगा,
जो कह रहा उसमें रहना होगा, नहीं तो वापस लौट जा। तेरे को क्या कमी है घर में? अरे वैभवशाली है, तुझे क्या कमी फजूल में? तू कहाँ मरने आ गया, कहाँ मिटने आ गया, कहाँ किसी बाबा के हाथ लगने आ गया? छोरे वापिस चला जा, अभी भी रास्ता है, अभी भी वापिस जाने की पूरी पूरी आज्ञा है। गुरु है, ठनका लीजिए जितना भी ठनकाना चाहो। अगर मेरे में प्यास होगी तो तू मुझको 12 वर्ष कहाँ दूर रखेगा? तू भी तो तरसेगा, तड़पेगा, तू भी तो मरेगा मेरे लिए। मुझे स्वीकार है 12 वर्ष तो क्या, 12 जन्म के लिए भी तू मुझे कहे मैं तैयार हूं। तेरे जैसा मुर्शिद, तेरे जैसा बाबा जिसको मिला हो, उसके लिए 12 जन्म भी रसोई में रहना कम है। कर तू मिले तो कभी हैरान करता है गुरु को, और कभी परेशान करता है गुरु को, और कभी शान और शौकत में खड़ा कर देता है गुरु को। क्या गजब करता है तिलैया। एक पल में कुछ गुरु की तरह, और एक पल में कुछ गुरु की तरह। क्या गजब का खेल, क्या गजब की। नजरों ही नजरों में क्या खेल चलता है। चल दिया 12 वर्ष कुछ भी ना है, 12 दिन में कट जाएंगे। प्यास तर दीवानगी में समय कहा, प्यास तर दीवानगी और फ्रेश तरोताजगी में। बहुत सुंदर व्यथा है प्यास तर दीवानगी की। क्या आगे व्यथा है, क्या आगे चले। 12 वर्ष में बालक पूर्ण पूर्ण हुआ, पूरा पूरा जागा, ज्ञान का भंडार हुआ। कहीं पढ़ने नहीं गया, ऐसा पढ़ करके आया कि सारे 500 के 500, तमाम 500 खोजी दीवानों को हैरान कर दिया। क्या गजब का नूर उतरा की सारी जगमगाती परम संपदा, परम शिखर उसी पे बरस गए, वर्षित गए, मिट गया। तिलैया तिलीपाद हुआ अपने मास्टर का। क्या रंग चढ़ा कि स्वयं मास्टर हो गया। सौदा ये प्रेम का मिलता न हर जगह, सौदा ये प्रेम का मिलता न हर जगह। मत समझो जिनसे इसको तुम, मत समझो जिनसे इसको तुम, प्यारी बाजार की। मत समझो जिनसे इसको तुम, प्यारी बाजार की। बाजी लगाई है सी मुर्शिद से प्यार की, बाजी लगाई है सी मालिक से प्यार की।